पिंपरी चिंचवड़ शहर भाजपा अध्यक्ष पद की कमान भाजपा विधायक महेश लांडे के हाथों में आ सौंपी है। आज पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने सर्वसम्मति से महेश लांडे की नियुक्ति भाजपा शहर अध्यक्ष के रूप में की। इससे पहले सभी 6 भाजपा मंडल के अध्यक्ष पदाधिकारियों से शहर भाजपा निरीक्षक व चुनाव निर्णय अधिकारी एडवोकेट माधवी नाइक ने की। अगर शहर में पालिका की सत्ता वापस लानी है और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को टक्कर देनी है तो शहर अध्यक्ष पद मजबूत हाथों में देना होगा। इस पर सभी प्रमुख इच्छुक उम्मीदवारों ने महेश लांडे के नामों पर सर्वसम्मति जताई है। एकमात्र दावेदार होने के कारण प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने महेश लांडे को शहर अध्यक्ष घोषित किया। या शहराचं खालचं सगळं स्ट्रक्चर पूर्ण झाल्यामुळे शहराच्या अध्यक्षाची आज निवडणूक होती। साधारणतः भारतीय जनता पार्टीची ती परंपरा आहे की 16-16 जण इच्छुक जरी असले तरी दोनदा तीनदा प्रदेशातून कोणतरी प्रवास करतो, सगळ्यांची मतं समजून घेतो आणि एक मतानेच निवडणूक होते। त्याप्रमाणे आज महेश लांडेंची पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राचा जो जिल्हा आहे त्या जिल्ह्याचे अध्यक्ष म्हणून आम्ही निवड घोषित केलेली आहे। मी सुरुवातीला त्यांचं खूप मनापासून अभिनंदन करतो। VSRS न्यूज पिंपरी चिंचवड।